अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, मैंने इसका पहला लेक्चर दिया था 1.2 का, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें हमने यूज़ करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब करते हैं इसको सॉल्व करने से पहले मैंने एक बताया था कि हमें देखना है क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हमने देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। अगर दी हुई है तो फिर हम कंपेयर करके कर लेंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है हमारे पास, तो हम कर लेते हैं इसको कंपेयर। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, पहले को एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बराबर आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, जो एक्स के साथ यहाँ पे बी है और एक्स के साथ यहाँ पे 8 है, तो बी की आ गई 8 और सी की हमारे पास आ गई 2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर रूट ओवर 2 ए, ठीक है। अच्छा, अब हम लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू, सिंपल है। वो क्या है, बी की माइनस माइनस लिख लिया, बी है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, यहाँ पे 8 लिख लिया, प्लस माइनस बी का स्केयर, यानी क्या आ जाएगा 8 का स्केयर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3 ए, आगे आ गया सी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर आ गया 2, ऊपर आ गया स्केयर रूट, यहां तक आएगा, ठीक है। और नीचे आ गया हमारे पास 2 ए, ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। आगे आ गया माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्केयर लें तो क्या आता है, 8 की स्केयर का मतलब ये है कि 8 को दो दफा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 64, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 को 2 से करेंगे तो क्या आता है 24 आ गया। ऊपर आ गया हमारे पास स्केयर रूट और नीचे आ गया 6। अच्छा, फिर तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आगे आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 24 माइनस करें तो ये आता है 40, ठीक है। और स्केयर रूट आ गया ऊपर और नीचे हमारे पास क्या है 6, तो नीचे क्या आ गया 6। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट इसका जो भी अंडर रूट आपके पास स्केयर रूट के अंदर कोई भी वैल्यूज आती है, अब उसको कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, अगर वो डायरेक्ट इसका स्केयर रूट देता है तो आप वो लिख लो, अगर पॉइंट में देता है तो फिर आप इसका एलसीएम निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या आ जाता है, 2 से करें तो ये आ जाएगा 20, फिर 2 से करें फिर क्या आ जाएगा 10, फिर किससे होता है, फिर 2 से 5 आ गया और फिर 5 सी होगा तो ये आ गया, मतलब 3 2 आ रहे हैं और 1 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और हमारे पास नीचे क्या आ गया 6, यहां पे आ गया माइनस 8 प्लस माइनस। अच्छा, याद रखना है कि अगर ये स्केयर रूट हो तो अंदर 2 के पेयर बन जाए तो वो बाहर आ जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर 3 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अब 3 देख रहे हैं कि 3 2 होंगे तो वो इसके बाहर आता है, इस तरह ये स्क्वायर रूट है तो लिहाजा 2 का पेयर होना चाहिए तो 2 1 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंदर बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या बच गया 6, यहाँ पे आ गया माइनस 8 प्लस माइनस। अच्छा, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 और प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया और यहाँ पे आ गया, इसको भी लिख लेते हैं सॉल्व करके, 10 आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 6, 2 1 2 2 3 6, तो एक्स का हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस 4 प्लस माइनस 10 और नीचे आ गया 3।
अच्छा अब हमें स्टूडेंट सॉल्यूशन आपने सॉल्यूशन जो है ना सॉल्यूशन सेट वो लिखना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ देते हैं लेकिन ये याद रखो कि सॉल्यूशन सेट का नंबर है, अगर आप सॉल्यूशन सेट नहीं लिखते तो इससे आपका नंबर कट होने के चांसेस हैं। भाई यहाँ पे आप सॉल्यूशन सेट लिख लो, सॉल्यूशन सेट क्या है, जो भी एक्स का आंसर है माइनस फोर प्लस इसके ऊपर अंडर रूट आना था स्केयर रूट का, अच्छा प्लस माइनस टेन स्केयर रूट ओवर थ्री, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन में करने से पहले आप देख लें कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज तब ही हम कर सकते हैं जब ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम इसको लेके आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका एलसीएम करेंगे, नीचे क्या एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस फाइव यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, सब साइड के साथ मल्टीप्लाई करते जाए, एक्स माइनस सिक्स आ गया एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई थ्री ओवर एक्स माइनस सिक्स, आगे आ गया माइनस, फिर आगे लिख देते हैं एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव और मल्टीप्लाई आ गया फोर ओवर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू आगे आ जाता है वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अच्छा अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये इससे कट हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे चलो एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव आ गया और आगे माइनस है माइनस लिख दिया, ये इससे कट हो गया तो हमारे पास यहाँ पे फोर और ये बच गया, तो यहाँ पे लिख लो। अच्छा इसको आगे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने पहले लिखना है, ये आगे भी जब पहले भी लिख सकते हैं आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी फोर ओवर एक्स माइनस फाइव लिख के फिर आगे ये लिख रहे कोई इश्यू नहीं है। आप लिख रहे हमने फोर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू आगे हमारे पास क्या आ रहा है एक्स माइनस सिक्स, वन को इससे दर्द देंगे तो वही आ जाएगा, तो लाभ लिख देते हैं ऐसे एक्स माइनस फाइव। अच्छा हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे आ गया थ्री एक्स, एक्स को थ्री के साथ थ्री एक्स और माइनस थ्री फाइव था फिफ्टीन और यहाँ पे आ गया माइनस फोर को इसके साथ फोर एक्स माइनस माइनस प्लस फोर को सिक्स के साथ ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू इसको एक्स को एक्स के साथ देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स को इसके साथ भी देंगे आगे प्लस माइनस माइनस और एक्स को इसके साथ देंगे तो फाइव एक्स और माइनस इसको देंगे तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स और माइनस माइनस प्लस सिक्स को फाइव से करेंगे तो ये आ गया थर्टी, थर्टी आ गया। इसके बाद आ गया हमारे पास थ्री एक्स और यहाँ पे दो एक्स है, थ्री है एक के साथ थ्री एक्स और एक माइनस फोर एक्स है, थ्री एक्स हो माइनस फोर एक्स हो तो इसका आंसर क्या आता है प्लस माइनस माइनस, फोर में थ्री निकाले तो वन साइन बड़ी रकम का माइनस, इसका मतलब एक्स साथ ही होता है माइनस एक्स के साथ ही होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस एक्स और माइनस फिफ्टीन और प्लस ट्वेंटी फोर ये कितना आता है, ये आता है प्लस नाइन, ठीक है। अब ये इधर प्लस है साढ़े, इधर जो भी इधर प्लस होगा उस इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा इक्वल की साइड पे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हम ले इधर ही ले आते हैं सबको, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और आगे आ गया ये माइनस है ये आगे प्लस हो जाएगा फाइव एक्स और ये माइनस है ये भी आगे क्या आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स और ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा आप तरतीब से लिखे ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने x वाले लिखने हैं, तो x वाले कौन कौन से हैं, एक ये है ये है, अच्छा लिखते जाएं ताकि इजीली सॉल्व कर ले, माइनस वन और x के साथ क्या है ये है फाइव है प्लस फाइव और क्या है प्लस सिक्स, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, इनको पहले प्लस कर ले, ये बनता है अलेवन, अलेवन में से एक निकाले तो ये आ जाएगा टेन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन बड़ी रकम का तो प्लस टेन एक्स आ गया, ठीक है। इसके इसके बाद हमारे पास आ गया कांस्टेंट प्लस नाइन और माइनस थर्टीन कितना आता है, ये प्लस नाइन और माइनस थर्टीन माइनस ट्वेंटी वन आता है, ठीक है, या माइनस थर्टी वन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये पहले माइनस आ जाए तो आपको ठीक है कॉमन निकाल के कैंसिल कर देगा, माइनस वन कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी वन,
इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों तरफ डिवाइड करवा दे, माइनस वन को इस तरफ भी डिवाइड करवा दिया, इस तरफ भी करवा दिया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम पहले कंपेयर करके फिर इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। इसको यहां पे कंपेयर कर लो, कंपेयर विद किसके साथ, ये मैं लिख देता हूं, लिख भी लो तो वो भी ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, ये मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये नोट कर लिया करें, अगर वीडियो आपने यहां तक नोट करना हो तो आप वीडियो पीछे करके नोट करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। आगे आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है, ए की हमारे पास वैल्यूज आ रही है ये है एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे वन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई वन, बी की हमारे पास क्या आ रही है, बी की हमारे पास आ रही है माइनस टेन, ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 21, सी की आ रही है 21, ठीक है। अच्छा अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है भाई, यदि क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट कर दूं तो एक चलो फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी स्केयर रूट ओवर टू ए। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना है, माइनस इंटू माइनस टेन, ये माइनस ये लगा और बी की वैल्यू माइनस टेन है तो माइनस टेन आ गया, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी माइनस टेन का स्केयर माइनस फोर, ए क्या है हमारे पास वन और सी क्या है 21, ठीक है। और नीचे क्या आ गया हमारे पास टू इंटू ए, ए की वैल्यू वन है तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये टेन आ गया, प्लस माइनस माइनस टेन को टू टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा हंड्रेड, यहाँ पे हंड्रेड लिख लिया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा फोर टू जा एट, और 84 को ए वन से करेंगे तो यही आ जाना है, तो लिहाजा यही आ गया, आगे नीचे आ गया टू, ठीक है। और ये आ जाएगा टेन प्लस माइनस 100 में से ये 84 निकाले तो 16, अच्छा 16 को अगर स्केयर रूट लोगे आप कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, और ये आ गया 2, समझ आ गई ना इसकी, ये आ जाएगा 4 16 का स्केयर रूट और ये आ गया 2। आगे हम क्या करते हैं, एक दफा इसको प्लस करना है एक दफा माइनस, तो क्या करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं इसको, एक तरफ कर लिया हमने 10 प्लस 4 ओवर 2 और दूसरी तरफ कर लिया x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2, दरमियान में बस एक दफा प्लस एक दफा माइनस का, और ये जो अब आ गया हमारे पास ये बनता है 14, 10 और 4 14 ओवर 2, 14 ओवर 2 ये 4 2 वन आर 2 2 7 आर 14, तो x का जवाब आ गया 7 और ये कितना बनता है x इज इक्वल टू 10 में से 4 निकाल दो 6 और नीचे 2 है 2 वन आर 2 2 3 आर 6 टू थ्री जा सिक्स आ गया, तो यहाँ पे एक्स का जो आप हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे लिख लेते हैं 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 7 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया 3, ठीक है। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास फ्रैक्शन में सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने से पहले हम एक और इसका स्टेप कर लेते हैं, ये देखें क्या हो रहा है, ये आ जाएगा x प्लस 2, नीचे आ गया x माइनस 1, इन कम हो गई है ना इस वजह से, अच्छा माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 6 और 6 को हम इसमें ऐड करेंगे तो 7 ओवर 3। अच्छा अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसका क्या होता है 3, जो भी नीचे होता है वो लिख लें, लेकिन याद रखना स्टूडेंट अगर ए टू एक्स एक दफा आ गया, अगर दोबारा आया गेन आ गया तो फिर आपने एक दफा ही लिखना है 3 मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड यानी सारी साइड से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखते हैं हर किसी के साथ लिखते जाए 3 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, इंटू x माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 ओवर आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे आ गया माइनस
यहाँ पे उसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2x आ गया x माइनस 1 और मल्टीप्लाई आ गया क्या 4 माइनस x ओवर 2x और आगे क्या है हमारे पास 7 ओवर 3 तो 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई करना है हमने क्या 3 मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स माइनस 1 ठीक है। अच्छा अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये इससे कट हो गया तो ये बनता 6x को करना है हमने x प्लस 2 आ गया यहाँ पे आ गया माइनस ये किससे कट हो रहा है इससे तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 और ये भी आता आगे 4 माइनस x ठीक है और ये लिखा हुआ है 7 ओवर 3 3 से कट तो ये 7 को 2 से कटेंगे तो 14x आ गया x माइनस 1। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 6x को x के मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ गया और इसको प्लस 6 को 2 से 12x आ गया माइनस 3 अब यहां पे रहने दे इसको पहले सॉल्व मल्टीप्लाई कर ले x को 4 के साथ किया तो 4x आ गया आता है माइनस x को x के साथ x स्क्वायर और फिर माइनस 4 को ये आ गया माइनस 1 को 4 के साथ माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 1 को x के साथ x आ गया और ये 14x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14x स्क्वायर और आ गया हमारे पास 14x ठीक है। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस अब 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं ये आ गया 12x और माइनस माइनस साइन का भी ख्याल रखना है प्लस 3x स्क्वायर 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है और माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 को 4 के साथ 12 और माइनस प्लस माइनस 3 को x के साथ 3x आ गया ठीक है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं ब्रैकेट ओपन हो गया यहाँ पे आ गया 14x इसको भी अगर हम दोनों को इस तरफ ही ले आए तो हमारा एक स्टेप और कम हो जाएगा ए प्लस है इस तरफ आके माइनस हो गया 14x स्क्वायर लिख दिया और ये माइनस है इस तरफ आके प्लस हो गया 14x। अच्छा लिखने का तरीका ये है कि इस तरह स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को ये मिस्टेक होती है तो अगर आप देखें कि जब ये जितने मर्जी लिखे हो लेकिन आप जहन में रख लें कि अगर ये इस तरह की आ जाती है कोई इक्वेशन तो आप उन सबको क्या करें कि लिख लें लहदा लहदा जैसे एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से इनके कोफिशिएंट लिखते जाओ ये 6 है एक्स स्क्वायर का 6 लिख लिया प्लस के साथ था और देखें कौन सा है ये प्लस 3 आ गया यहाँ पे हमने प्लस 3 लिख लिया और देखें ये माइनस 14 है तो हमने लिख लिया माइनस 14 सिर्फ 3 थे ठीक है तो मैंने तीनों लिख लिए अब इजीली आप सॉल्व कर सकते हो 6 और 3 9 में से 14 निकालें यानी 14 में से 9 निकालें तो 5 साइन बड़ी रकम का तो माइनस 5 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना फिर क्या माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले देखें एक्स वाले कौन कौन से हैं 12x और ये माइनस 12 ये दो ऐसे कट गया ये दो ऐसे कट गए ठीक है और हमारे पास और एक्स वाला देखो क्या गया भाई ये बच गया और ये बच गया ए के साथ माइनस 3 है और ए प्लस 14 है तो ये क्या बनता है इसका आएगा जवाब माइनस प्लस माइनस 14 में 3 निकालें 11 साइन बड़ी रकम का प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इसके साथ ही लिख लेते हैं 11x आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा कांस्टेंट देखें जरा क्या क्या कांस्टेंट है ये 12 है ठीक है और कोई है कांस्टेंट देख लेते हैं ध्यान से नहीं है तो फिर क्या हमारे पास आ गया 12 तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 12 इज इक्वल टू 0 मैंने कहा था माइनस पहले आ जाए तो कॉमन निकाल के खत्म कर दिया करें तो अगर फ्रैक्शन के नीचे माइनस ना आए 5x स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस 11x और माइनस प्लस माइनस 12 आ गया ठीक है इज इक्वल टू 0 यहाँ पे डिवाइड करवा दें इस तरफ भी और इस तरफ भी ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या ये हमारे पास इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं कंपेयर विद इतना भी लिख दें तो ये काफी है किसके साथ यानी इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अब कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे ए है यहाँ पे 5 है तो ए का जवाब आ गया 5
और b का आ गया x के साथ, देखें यहाँ पे माइनस 11 है ठीक है, और c, और c क्या है हमारे पास माइनस 12, c का जवाब आ गया माइनस 12। अब फार्मूला लगाए क्या होता है, वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। आप पुट करते जाए माइनस बी यानी माइनस सी का आगे माइनस 11 है तो आप ब्रैकेट लगा कर माइनस 11 लिखे, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी माइनस 11 का स्केयर आ गया आता है माइनस 4a, a क्या है हमारे पास 5, यहाँ पे 5 आ गया, c हमारे पास 12 है माइनस 12 है तो आपने माइनस 12 हमने लिख दिया, ऊपर आ गया स्केयर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 2a, a की वैल्यू हमारे पास 5 था यहाँ पर 5 आ गया ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 11 आ गया, प्लस माइनस 11, माइनस 11 का स्केयर का मतलब 11 को दो दफा मल्टीप्लाई करना है, माइनस 11 को टू टाइम करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 121, 4 को 5 के साथ करेंगे तो ये आता है 20, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस लिखे ना, तो फिर आ गया 12 को करेंगे 5 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 12 5 16, 60 को अगर 4 से करेंगे तो ये क्या आता है, 60 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आता है 214 ठीक है। आप कैलकुलेट से भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, 10 आ गया और हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, ये इनको ऐड करेंगे तो ये बनता 361। अच्छा इसके बाद हमने करना होता है अगर स्केयर रूट लो तो अगर डायरेक्ट इसका स्केयर रूट मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको वो लिख लेते हैं, अगर वो पॉइंट में दे स्टूडेंट तो आपने क्या करना है कि इसको एलसीएम करके सॉल्व कर लेना। अच्छा ये अगर आप कैलकुलेट से करोगे तो ये मेरे जेहन में आ रहा है कि ये डायरेक्ट हो रहा है हमारे पास आ रहा है इसका स्केयर रूट, तो ये बनता है हमारे पास आ जाता है किसका 19 का स्केयर रूट ठीक है, और नीचे आ गया हमारे पास 10। आप क्या करते हैं, एक दफा हमने लिख दिया 11 प्लस 19 ओवर 10 और दूसरी तरफ लिख दिया x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10। अच्छा ये क्या आता है x इज इक्वल टू 11 और 19 ये आता है 20, x 11 और 19 ये आता है 30, तो यहाँ पे 13 ओवर 10 जीरो जीरो के साथ गया तो ये x का जवाब आ गया हमारे पास 3, और यहाँ पे क्या आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 19 में से 11 का तो ये 8, साइन बड़ी रकम का माइनस आ गया और क्योंकि 19 बढ़ा तो इसके साथ माइनस है तो माइनस आ गया, नीचे 10 तो क्या आ गया 2 4 8 2 5 10, तो x का जवाब हमारे पास क्या आ गया माइनस 4 ओवर 5। अब हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 3 और माइनस 4 ओवर 5। अगर हम इसको आगे पीछे भी अगर इसका पहले आंसर लिख ले इसको बाद में लिख ले तो इसका कोई इश्यू नहीं है, लिखे दोनों होने चाहिए x के सॉल्यूशन सेट के अंदर आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा इसको एलसीएम, इसका एलसीएम करते हैं क्या आएगा, एलसीएम आ गया नीचे वाला x माइनस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बोथ साइड ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई ये वाला लिख दिया हमने x इंटू एक्स माइनस बी, फिर आ गया प्लस इसको लिख ले b इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई करके क्या आ गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ठीक है, आगे ये आगे पीछे हो सकता है मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं होता है ठीक है, क्योंकि देखें 2 × 3 आंसर क्या आता है 6, 3 × 2 करेंगे तो फिर भी तो 6 ही आ रहा है तो इसका कोई इश्यू नहीं होता ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गया 2 × x - a और यहाँ पे आ गया x माइनस बी, अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं ये इसके साथ कैंसिल तो ये आ गया a इंटू एक्स माइनस ए प्लस ये इसके साथ कैंसिल तो यहाँ पे आ गया b इंटू एक्स माइनस बी और यहाँ पे आ गया 2 × अब मल्टीप्लाई कर ले x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर है, x को इसके साथ माइनस बी एक्स माइनस प्लस माइनस ए एक्स, ए माइनस माइनस प्लस ए को बी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया ए एक्स माइनस ए को ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी को एक्स के साथ बी एक्स आ गया और प्लस माइनस माइनस बी को बी के साथ बी स्क्वायर आ गया ठीक है, और आ गया हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे आ गया 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ 2x स्क्वायर माइनस 2 bx और माइनस
टू ए एक्स और इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस टू ए बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि इन सबको इस तरफ ले आते हैं ए एक्स, ठीक है, माइनस ए ए का स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर, इन सबको इधर ले आइए, माइनस हो गया, जो प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस है तो प्लस आ गया टू ए बी एक्स। ठीक है, और आगे क्या आता है माइनस है तो प्लस हो गया टू ए एक्स और ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू जीरो। अच्छा आप एक्स स्केयर वाला पहले लिख लें वो एक किया तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस टू एक्स स्केयर, इसके बाद एक्स वाले देखें, एक्स वाले देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है ए एक्स जिनके साथ एक्स हो, ये एक ये एक्स है और देखें ये टू ये वाला और ये वाला, ये एक और टू ये बन गए यानी वन और टू बन गए थ्री, एक और दो तीन हो गए, यहाँ पे आ गए थ्री ए एक्स और बी एक्स वाले, अब देखें ये एक बी एक्स वाला है और कौन सा ये वाला, तो एक और फिर एक और दो तीन आ गए फिर थ्री बी एक्स आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्स्टेंट बच गया तो कॉन्स्टेंट में क्या है माइनस ए स्केयर, ठीक है, माइनस बी स्केयर और माइनस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब इन सब में क्या काम आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है माइनस, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन ले माइनस वन तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स स्केयर आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस थ्री ए एक्स आ गया फिर माइनस प्लस माइनस थ्री बी एक्स आ गया और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये तीनों के साथ माइनस अब प्लस लगाते हैं बी स्केयर और प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो आ गया। अच्छा इसको दोनों तरफ माइनस वन से डिवाइड करवा देते हैं, इस तरफ भी करवा दिया तो आ गया हमारे पास ये कट गया। ठीक है, ये टोटल के नीचे ही है समझो माइनस वन जो है तो ये कट गया। अच्छा इसको फर्दर क्या बनता है हमारे पास टू ए टू एक्स स्केयर और इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस, अगर कॉमन ले तो माइनस माइनस ये थ्री ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री बी आ गया, यहाँ पे आगे लिख लिया और ये एक फॉर्मूला बन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब स्टूडेंट्स कि एक्स स्केयर के बाद आ रहा है एक्स फिर कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम लेट कर ले कंपेयर कर लेते हैं उसके साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद किसके साथ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टू और यहाँ पे एक्स के साथ बी है तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, ये देखें एक्स के साथ ये सारी रकम है तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी और सी की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है ये कॉन्स्टेंट पड़ा हुआ है तो ए प्लस बी का होल स्केयर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ या एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, और नीचे आ गया टू ए। अच्छा स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं वैल्यूज लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस लिख दिया बी है तो बी की वैल्यू ये है तो हमने ऐसे लिख दिया माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी आ गया। ठीक है, और आगे आ गया प्लस माइनस बी का स्केयर यानी माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी का स्केयर माइनस फोर, ए क्या है हमारे पास टू है और सी हमारे पास क्या है ए प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, इसके ऊपर हम लिखाते हैं स्केयर रूट, नीचे आ गया टू ए, टू इंटू ए की वैल्यू हमारे पास टू है तो यहाँ पर आ गया टू, एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ये आ गया थ्री ए प्लस बी। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे थ्री माइनस थ्री का जब हम स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा नाइन, माइनस थ्री को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री और माइनस थ्री नाइन बन गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नाइन आ गया और आगे इसका स्केयर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर और ये टू फोर टू जा एट और आ गया ए प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, इसके ऊपर हम लगाते हैं स्केयर रूट और नीचे लिख देते हैं फोर, टू टू जा फोर।
अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साथ ही, 3a प्लस 3b बन गया, प्लस माइनस 8 में से 9 में से 8 निकाले तो क्या आता है 1, 1 साथ ही होता है, तो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। देखे ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है 9x लिखा हो तो माइनस 8x लिखा हो तो इसका आंसर क्या होता है x, यानी कि यही चीज आती है। तो ये समझ ले ये x लिखा हुआ है, ये दोनों की सेम है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट जो है ना वो आपस में प्लस हो माइनस हो गया। अच्छा इसके ऊपर लगाते हैं हम स्क्वायर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल तो आ गया a प्लस b और नीचे आ गया 4। अब क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b, एक दफा प्लस कर लिया और नीचे आ गया 4। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं एक दफा माइनस 3a प्लस 3b माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि साइन चेंज होना है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आके मिस्टेक कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते और साइन भी नहीं चेंज करते, तो इस तरह मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। नीचे आ गया 4 और यहाँ पे क्या आ गया 3a और a के 4a बन गया और प्लस 4b ओवर 4 और यहाँ पे क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारे पास 4 आ रहा है, तो a प्लस b ओवर 4 कटिंग करके हमारे पास आंसर आ गया a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट 3 अभी साइन चेंज कर लेते हैं, 3a प्लस 3b माइनस a और माइनस प्लस माइनस b और नीचे आ गया हमारे पास 4, x इज इक्वल टू 3a वैसे निकाल लेते हैं और माइनस 2b आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 4, यहाँ पे 2 कॉमन है तो आ गया a माइनस b ओवर 4, ठीक है। a इनमें से दोनों में 2 कॉमन है तो 2 1 2 2 2 4 तो आंसर क्या आ गया a माइनस b ओवर 2, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन सेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सेट लिख लूंगी, यहाँ सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास क्या है a प्लस b और एक हमारे पास आ गया a, यहाँ पे प्लस आना है क्योंकि ये देखे 3a में से हम a के निकालेंगे तो 2a आ गया और यहाँ पे भी 3b में से 1b निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लस लगाना है, अच्छा यहाँ पे आ गया a प्लस b ओवर 2, यहाँ पे लिख ले तो a प्लस b ओवर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखते हैं, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि पहले कॉन्स्टेंट पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं माइनस एल एक्स स्केयर वाला पहले लिखते हैं फिर एक्स वाला लिखते हैं, 2l प्लस m और फिर आ गया x और फिर कॉन्स्टेंट लिखते हैं, ठीक है। l प्लस m आ गया इज इक्वल टू 0। अच्छा आपने जो साइन इनके साथ है आगे पीछे तो कर लेते हैं कि जो साइन है, अच्छा इसके ना साइन चेंज कर देना क्योंकि ये इक्वल के इस साइड से ही आगे पीछे हुए हैं, अगर इक्वल के इधर जाए या वो वाला इधर आए तो फिर आपस में वो प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। ये आपस में जो साइन इनके साथ है वो ही रहेगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं कंपेयर, तो कंपेयर विद यहाँ पे लिख लेते हैं, कंपेयर विद किसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स के साथ यहाँ पे माइनस एल है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का जो आपके आ गया माइनस एल और फिर बी का जो आपके आ गया एक्स के साथ जो है जो एक्स के साथ है ये है 2l प्लस m, m आ गया और सी हमारे पास क्या आ गया माइनस एल प्लस m, ठीक है। ये हमारे पास सी की कांस्टेंट वैल्यू आ गई। यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, फिर यहां पे क्या माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां पे पुट करते हैं वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी के साथ ये है तो यहां पे क्या आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस बी का स्केयर यानी इसका स्केयर 2l प्लस m का स्केयर आ गया हमारे पास, क्या आता है आगे करते हैं इसका, फिर आता है माइनस 4ac माइनस
आगे आता है फोर, फोर लिख दिया, आगे ए है, ए क्या है माइनस एल, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस एल, और आगे आता है सी भी आता है, ठीक है ये सी है, तो सी क्या है हमारे पास सी इन एल प्लस एम आ गया, और इसके ऊपर हमने लगा दिया स्केयर रूट लगा दिया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया टू ए, मतलब टू माइनस एल, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास माइनस एल है। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस टू एल और माइनस प्लस माइनस एम आ गया, प्लस माइनस इसको ओपन करो, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये देखें इसका ए रख दिया और इसका बी, ये आपको फॉर्मूला आते ही होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए का स्केयर आएगा तो क्या आ जाएगा टू एल का स्केयर, ए का स्केयर आ गया प्लस बी का स्केयर यानी एम का स्केयर आ गया, और प्लस टू ए क्या है टू एल है, और बी क्या है एम है, और यहाँ पे क्या आता है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फोर को एल के साथ किया तो फोर एल आ गया, और साथ में हम लिख लेते हैं एल प्लस एम, और ऊपर स्केयर रूट डालते हैं, ठीक है ये जरा थोड़ा सा लंबा अपने स्केयर रूट लगाना है यहाँ तक प्लस माइनस वाले, और नीचे हमारे पास आ गया क्या माइनस टू एल, आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया माइनस टू एल, और आगे आ गया माइनस एम प्लस माइनस, अच्छा टू एल का स्केयर आता है क्या आता है फोर एल स्केयर, ठीक है, और प्लस एम का स्केयर क्या आता है एम, एम का क्या स्केयर ले तो एम स्केयर बन गया, और टू को टू के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा फोर एल, एल भी है साथ, और एल फोर एल को एम के साथ करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा फोर एल एम, आगे क्या है माइनस फोर को इसके साथ देंगे तो माइनस फोर एल स्केयर, ये लिख देते हैं माइनस फोर एल स्केयर, और माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है फोर एल को एम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर एल एम, ठीक है ऊपर लगाते हैं हम स्केयर रूट, और नीचे आ गया हमारे पास माइनस टू एल, ठीक है वही नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स इजिकल टू माइनस टू एल माइनस एम प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है एक प्लस एक माइनस है, और क्या कैंसिल हो रहा है ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये यहाँ पे बच गया एम का स्क्वायर, और नीचे आ गया माइनस टू एल, ठीक है तो एक्स का जवाब आ गया माइनस टू एल प्लस माइनस यहाँ फर्दर एम प्लस माइनस ये इसके साथ कैंसिल तो एम आ गया, ये हमारे पास सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है वही एक दफा प्लस एक दफा माइनस, अब हम करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एल माइनस एम, और यहाँ पे प्लस लगाना है, और नीचे हमने लगा दिया माइनस टू एल, ठीक है और यहाँ पे लिखते हैं फिर एक दफा प्लस कर लिया तो हम माइनस करते हैं टू एल माइनस एम और माइनस फिर क्या आ जाएगा एम, ठीक है माइनस एम और फिर माइनस एम आ गया क्योंकि तो यहाँ पे प्लस किया यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस टू एल। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास माइनस टू एल ये ऐसे कैंसिल हो गया तो माइनस टू एल और नीचे आ गया माइनस टू एल ये कटिंग करके हमारे पास माइनस कैंसिल हो गया तो टू एल वन आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स इज इक्वल टू टू एल लिखते हैं और ये माइनस माइनस यानी माइनस वन हो तो माइनस वन क्या आंसर आता है माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन और वन टू तो ये माइनस एम है तो ये आ जाएगा माइनस टू एम और नीचे आ गया हमारे पास माइनस टू एल। अब इसमें कॉमन क्या है हमारे पास माइनस टू क्या कॉमन है हमारे पास यहाँ पे टू कॉमन है ठीक है तो टू कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल माइनस एम ठीक है और नीचे हमारे पास क्या आ गया। अच्छा अब ये याद रखें जिस तरह ये माइनस था यहाँ पे हम माइनस लगाना भूल गए ये छोटी सी मिस्टेक आप ठीक कर लो यहाँ पे माइनस टू फिर आ जाएगा कॉमन तो ये प्लस के साथ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और नीचे आ गया हमारे पास माइनस टू एल ये माइनस टू के साथ कैंसिल तो एक्स का जो आपके आ गया एल प्लस एम ओवर एल। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं ठीक है लिख देते हैं क्या आता है वन और एक आ गया हमारे पास एल प्लस एम ओवर एल। अच्छा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इसके अलावा भी कोई भी एग्जांपल
कोई भी सवाल नहीं समझ आती आप मुझे कमेंट सेंड करें तो इंशाल्लाह कमेंट में बताएं, मैं दोबारा वो सवाल करूंगा। और इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि मैं मेरी वन बाय वीडियो आप इंतजार करें कि कब मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूं। तो आपने इस तरह करना है कि आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो लहदा आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।